भाटिया आंटी के सत्संग तो आपने सुने होंगे। हम पहली दफा गुरु जी को अशोका होटल में शादी में मिले थे। मेरी वाइफ की मासी की लड़की की शादी थी। मेरी वाइफ की मासी की 7 लड़कियां, उसमें छठी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था चंडीगढ़ रोड पे। उसका एक लड़का लड़की और खुद हस्बैंड वाइफ कार उलट गई थी, तो सब बच गए थे। सिर्फ लड़की का फेस जो क्रश हो गया था, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, एंड शी वाज इन द हॉस्पिटल। 91 में हुआ था एक्सीडेंट। शी वाज इन द हॉस्पिटल इन चंडीगढ़ पीजीआई एंड 6 मंथ एम्स। कोई ठीक नहीं हो रहा था एंड अपनी क्लास भी उसने मिस करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसका मुंह नहीं दिखा सकती थी। तो किसी ने बताया, 1 साल के बाद हम भी आके देखते थे, तो हम मतलब शी वाज नॉट इन ए वेरी बैड स्टेट। तो किसी ने बताया उनको कि भाई जलंधर में गुरुजी हैं एंड उनके पास ले जाओ उनको। तो माँ बेटी गुरुजी के पास जलंधर में गए, क्योंकि वो मिलिट्री में थे तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। तो जब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने कहा, है तो तू नास्तिक। नास्तिक वो आर्य समाजियों को गुरुजी हमेशा नास्तिक कहते थे। तो है तो नास्तिक, लेकिन तू चल के मेरे पास आई है एंड 92 में, एंड इसको मैं ठीक भी करूंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा और इसकी शादी 10 साल बाद अशोका होटल में होगी। भाई गुरुजी को हमने देखा वहां पे 92 से 2002 में अशोका होटल में, उसकी शादी फिक्स हुई, बिल्कुल ठीक हो गई। शी बिकेम डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट इन मास्टर, उसने मास्टर्स करी थी। तो वहां पे गुरुजी को देखा था तो काफी लोग थे एंड मेरे साथ मेरा सांडू खड़ा था, दूसरा रियल सांडू, और लोग गुरुजी आए, वो स्टेज पे बैठे थे एंड लोग लाइन बना के माथा टेकने जा रहे थे। तो कई वहां से रिश्तेदार अमेरिका से आए थे, उनकी बहनें, तो सब आके मजाक उड़ा रहे थे कि गुरुजी नास्तिक है, नास्तिक करके भगा रहे हैं। तो हमने उधर देखा तो मैं कह देखें कौन से कह रहे नास्तिक। देखा तो कुछ एक अट्रैक्शन सी हुई मुझे कि भाई मुझे जाना चाहिए वहां पे। तो मेरे साथ मेरा रियल सांडू खड़ा था, उसकी मेरी साली भी खड़ी थी। मैंने कहा चलना है, कहते ना जी हमने नहीं जाना, बड़ी वाली सिस्टर झांसी में रहती है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती है, वो इशू करती रहती है, आप फिर गुरुजी करोगे, हमें नहीं जाना इस चक्रों में। मैं ठीक है तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा, मैं चल। तो वो कहती कि वो चली मेरे साथ, तो मैंने कहा गुरुजी के चरण छू लेंगे। नहीं मैं नहीं छूंगी, मैं अपने पति के सिवा किसी के चरण नहीं छूती। मैं कहा जब पति कह रहा है छू लेना तो छू लेना। तो वहां लाइन में लगे तो लोगों को भगा ही रहे थे कि नास्तिक नास्तिक। जब हमारा नंबर आया तो हमसे वो बात करने लग गए गुरुजी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड उन्होंने कम से कम 4-5 मिनट बात करी। एंड उसके बाद मैं जब बात करी कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं अपनी वाइफ से बीमारियों से वाइफ की बीमारियों से दुखी था, काफी डॉक्टरों के चक्कर लगाए थे। तो मैं कहने लगा गुरुजी को कि भाई इसको ठीक कर दो। तो वो क्या कहते हैं, ये जो लाइन लगवा रही थी के पॉल की वाइफ, उन्होंने कहा भाई चलो आप जो भी बात करनी है आप आश्रम में आके करना, गुरु जी ने किसी बात नहीं करे, आपसे इतने मिनट बात कर ली। खैर फिर हम उधर से आ गए एंड जब घर में आए तो फिर थोड़े दिन बाद वो आ गए मासी, इनकी मासी की लड़की और हस्बैंड। तो बैठे रहे दोपहर से, उन्होंने खाना खुना खाया, स्नैक्स वगैरह खाए, तो मैं सत्संग करते रहे गुरु जी का। और शाम को हमने कहा चलो वहां पे चलते हैं जयपुर रोड में, वहां पे नया हल्दीराम खुला है, वहां पे खाते हैं खाना। कहते नहीं हम तो गुरुजी का लंगर खाएंगे। खैर
मेरा दिल था जाने का गुरु जी के पास, तो आंटी का भी दिल बना नहीं था, लेकिन भाटिया आंटी ने फिर, मैंने उनको कहा नहीं अब चलना है चलना है एंड गुरु जी से मिलना है, तो इन्होंने कुछ मजाक में वो किया होगा तो इससे माफी मांगी और हम उनके साथ चले गए। वहां पे गुरु जी कैबिनेट में बैठे थे, जब कैबिनेट में होते हैं तो गुरु जी से काफी बातें हो जाती थी, तो उस समय आए तो उन्होंने वेलकम ऐसा दिया बातें करने उनसे कि भाई उन बुलवा तो 95 से आंटी को रहे थे, हम श्रीलंका में थे उस टाइम, तो गुरु जी को तो सब पता है कि आपका पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म सब पता है, लेकिन हमें तो नहीं पता, हम जब से पैदा हुए होश संभाले हमने क्या किया है उनको सब पता था। खैर थोड़ी देर उन्होंने बातें करी हमसे कि भाई बेटी, उन्होंने कहा कि इनकी बेटी डॉक्टर है, कहें डॉक्टर नहीं BDS 32 दिन सर्वनाश पहले दिन ही बोल दिया, तो थोड़ी बहुत बातें करी फिर मेरे कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने कहा मेरी वाइफ का ना जुकाम ठीक कर दो गुरु जी, तो गुरु जी हंसने लगे, कहते मांगी भी छोटी चीज बड़ी चीज मांगी थी है, तो मैं कह गुरु जी फिर ब्लेसिंग दे दो, फिर गुरु जी ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा चल देखो फिर नजारे अग्गे अग्गे चलो बैठो, तो उन्होंने अच्छा वेलकम दिया, तो ऐसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, तो थोड़े दिन बैठे रहे वहां पे रोज जाते रहे। एंड एक दिन आंटी की प्लेट में लंगर, तो वो चार आदमी खाते थे, आंटी की प्लेट में लाल मिर्चों की चटनी रख दी कि ये सिर्फ भाटिया आंटी के लिए, तो उसने एक गुरु जी की तरफ देखा, फिर उन्होंने सोचा देखा जाएगा इसको, इसकी फूड पैक में अल्सर था जिसके लिए मैं भी दुखी था, ये कुछ खा नहीं सकती थी, चाय नहीं पी सकती, समोसा नहीं खा सकती थी, तो लाल मिर्चों की चटनी इनके सामने गुरु जी बैठे हैं देखा जाएगा जो भी होगा, इसने पूरी लाल मिर्चों की चटनी खा ली और उसके बाद वो अल्सर गायब हो गया, तो गुरु जी ने एक झटके में इसको ठीक कर दिया, जो बाकी में गुरु जी ने बताया था तुझे एक झटके में ठीक कर दिया, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया हमें इनके गुरु जी के पास कि भाई गुरु जी में कोई पावर है। खैर फिर उसके बाद April 27, 2003 को मुझे याद है गुरु जी हमें पटियाला ले गए, जो अभी मरकन आंटी की डेथ भी हो गई है, मरकन आंटी के बेटे की रिसेप्शन थी पटियाला में, तो 7 गाड़ियां गई थी वहां से एम्पायर स्टेट से, तो जिसको ठीक किया था लड़की को, तो उसने कहा था गुरु जी के बाद बड़ा मजा आता है, रास्ते में ढाबे में रुकते हैं बड़ी मजे करते हैं, तो मासी चलो, तो हम चल पड़े, इवन तो गेस्ट आया हुआ था कोई बात नहीं, तो सुबह सुबह निकले, April 27 गर्मी होती इतनी धूप, और मैं उस कार में मैं बैठा हुआ था, मेरा सानू चला रहे थे, पीछे 3 लेडीज यही बैठी थी, दोनों बहने और बीच में उनकी बेटी जिसको ठीक किया था, तो पूरे रास्ते किनमिन होती गई, मतलब हमें तो फ्रंट विंडो में फ्रंट ग्लास में नजर आ रहा था कि किनमिन हो रही है, वो अमृत वर्षा थी, तो रास्ते में जाके वहां पे अम्बाला में पेट्रोल पंप के बाहर गुरु जी ने गाड़ी रोकी अपनी कंटेसा और कह रहा है इन इन गाड़ियों में पेट्रोल कम हो गया और डलवा ले, उस दिन पता लगा कि गुरु जी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, जिस गाड़ी में बैठ जाए वो सेंस से चलती है। खैर वो थोड़ा पता लगा, चलो भाई ठीक है, आगे गए रिसेप्शन में, वहां पे सब लोगों ने घेरा हुआ था, तो हमने खाना पीना खाया और बाहर आए तो बुल्लर साहब ने पकड़ लिया, बुल्लर साहब DIG पुलिस ने, वो अपने घर ले गए, फिर हम भी गुरु जी के साथ गए, तो उन्होंने काफी सेवा करी, उसके बाद मरकन आंटी के घर गए क्योंकि उनके बेटे की रिसेप्शन थे, उनके घर गए, जैसे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं उनका वो था, और पावर कट हो ही जाती थी वहां पे, तो उन्होंने जनरेटर और कूलर अरेंज कर रखे थे, तो हालांकि गुरु जी ने पहले कहा था नहीं लोड नहीं पहनी, खैर अंदर गए उनके घर में, तो गुरु जी ने कहा कि पंखा क्यों नहीं चला रही, उन्होंने कहा लाइट गई है गुरु जी, कहते ऑन तो कर स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लगा। खैर उसके बाद बाहर बैठे रहे, गुरु जी की एक कुर्सी लगी थी एंड सारी संगत नीचे बैठी थी, 300 के करीब संगत थी, तो हम भी नीचे बैठे गार्डन में, और विद इन मिनट्स
वहां पे काला बादल ऊपर लाइक अम्ब्रेला ऊपर खड़ा कर दिया गुरुजी ने, हवा चला दी ठंडी ज्यादा शिमला में चलती है, वो हम नजारे देख के मैं तो हैरान हो रहा। मैं कहा कुछ तो शक्ति है जो मतलब 3.5 घंटे बादल ऊपर खड़ा करके कौन कर सकता है। मैं कहा कोई इंसान तो नहीं कर सकता, इनमें कोई शक्ति है जो बादल खड़ा कर दिया इतनी गर्मी में, हवा चला दी शिमला जैसे। खैर उसके बाद सत्संग हुआ, गुरु हमारी तरफ देखे ऊपर देखे कि इनको समझ आ रहा है। तो ये लेडी सब चुनिया पहन के गई थी, अब इनको ठंड लगे, शाले तो थी नहीं, ये चुनियों को ही ऐसे जबरदस्त पकड़े रखे। खैर उसके बाद हम रात को निकले वहां से वापसी दिल्ली की तरफ, तो सारे रास्ते कोई 7 कारें थी तो वापस चल रहे थे, सबसे आगे गुरु जी की गाड़ी। एंड मूर्थल पे सारे ढाबे निकल रहे, तो इसने ऐसे कहा है निक्की तू तो कह रही थी गुरु जी के साथ ढाबे में बैठ के खाने में बड़ा मजा आता है, यहाँ तो सारे ढाबे निकल गए। तो एकदम गुरु जी की गाड़ी में ब्रेक लगी और यू टर्न लिया और ढाबा नंबर अहूजा नंबर 1 पे रुके। वहां पे उतर के गुरु जी अपने उसको हमारे सांडू साहब को कहते हैं पूछो अपनी साली को हूं मजा आया शिमला बनाता किस तरह सोचो। मतलब गुरु जी के वर्ड्स मुझे बड़े वो लगे कि मैं क्या इनमें कोई शक्ति है जबरदस्त। तो उसके बाद ढाबे में बैठे, उनके साथ बैठे, बड़ा मजा आया, उन्होंने परांठे खिलाए सुबह के बने हुए इतने फ्रेश फ्रेश। खैर उसके बाद वो चलने लगे तो उनकी कार में मतलब सब माथा टेक रहे थे, तो मेरी वाइफ के पीछे मैं था, मेरी वाइफ ने भी प्यार छुए और गुरु जी उस टाइम बोलते हैं जब पीछे खड़ा था, भाटिया आंटी तू चिंता ना करी, भाटिया अंकल मैं फिट रखूंगा। तो बस ये मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई मैं गारंटी मिल गई कि भाई इन्होंने फिट रखना है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं क्या भाई ये तो शक्ति है जो एक बार उन्होंने कोई चीज बोल दी वो तो होनी होनी है, ये हमारा एक्सपीरियंस आगे का कहता है। एंड उसके बाद हम बस जैसे ही हमारे नीचे पार्लर था और शोरूम था जूतों का और गारमेंट्स का, क्योंकि मैं गारमेंट बिजनेस में था श्रीलंका में, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, 23 इयर्स आई वाज इन श्रीलंका, सारे बच्चे वहीं के पढ़े लिखे हैं एंड इसलिए गारमेंट्स का भी रखा था। शूज का मेरे ब्रदर लॉ का था आगरा में, वो भी रखे थे शूज, और पार्लर भी साथ में था। तो उसके बाद अपना चलता रहा, रोज जाते थे पार्लर, फटाफट बंद किया, 6:30 बजे हम पहुंच जाते थे वहां पे एम्पायर स्टेट में कि गुरुजी कैबिनेट में बैठे मिले उनसे बात हो जाए, क्योंकि जब गद्दी पे आते थे वो सबको ब्लेस करते थे। तो ऐसा ऐसा उनसे पता चला कि भाई जो ये कहते हैं वो होता जरूर है। अब ऐसा था एक्सपीरियंस से पता क्या कि ये तो रब है, एंड रब इन्होंने एक दिन बताया था हमें बैठ के, एक बार बुलाया हमें ऑफ डेज में, मतलब उस दिन मंगलवार को मेरी बेटी, उनका बेटी को भी ले आना, ब्लेस करना था गुरुजी ने। तो वहां पे गए थे तो गुरुजी कई बार मजाक करते थे, लेकिन मजाक नहीं होता था, उनको मीनिंग होते थे। तो मेरी बेटी सिद्धवारी थी, भाटिया आंटी पे चरणदवारी थी, तो गुरुजी मजाक कर रहे हैं कि भाई पीजीआई का मतलब पता है, तो लोग क्या इंसान। उनके बाद कह रहे ASC आटा सब्जी चोर, तो फिर कहते हैं वाइफ का मतलब पता है, वर इज इनवाइटेड फॉर एवर। तो भाटिया आंटी बोल पड़ी गुरुजी आपने भाटिया अंकल को खुश कर दिया, नहीं आंदे लई नहीं आंदे सांडू लइए, जाके कह दी उन्हें इसके लिए अभी आ रहा है। फिर हस्बैंड का मतलब है हॉर्स अंडर सीवियर बर्डन एंड नो डायवर्शन। तो ये ऐसे ही मजाक होता रहा। BDS मेरी बेटी को कह रहे थे कि 32 दिन सर्वनाश। खैर उसके बाद वो गुरु से कह रही कि मैंने MDS करनी है, तो उन्होंने कहा मैं MDS तेन लोड़ नहीं, तेरे काम नहीं आएगी। इन्होंने कहा गुरु जी मैं तो नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, काम कैसे नहीं आए। अब बेटी को ये नहीं पता कि भाई आगे क्या होना है, गुरु जी को सब पता है। फिर उसी टाइम गुरु जी ने कहा तेन ऑस्ट्रेलिया भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजांगे।
ऑस्ट्रेलिया में वाकई इसके एमडीएस काम नहीं आती, लेकिन ये जिद करके गुरु जी से मनवा गए कि एमडीएस कर ले, चल तेरा कर्नाटका में हो गया, तो कर्नाटका में हो जाएगा तेरा। तो जो गुरु जी बोलते थे वो होना ही होना, ये हमारा एक्सपीरियंस है गुरु जी के साथ। तो ऐसे चलता रहा, कई बार दिव्य प्रसाद भी देखा उनको निकालते हुए, और जो बोलते थे वो तो होना ही होना है। एक बार मेरी वाइफ आंटी गई हुई थी वहां पे बेंगलोर में अपनी बहन की कजिन सिस्टर की बेटी की शादी में, तो यहाँ पे मैं नीचे खड़ा था पार्लर में, तो ये हुडा वाले क्रेन लेके आ गए यहाँ पे हमारे घर की सीढ़ियां वगैरह तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि हमने जो अपनी कोठी बनाई थी वो डिफेंस स्टाइल में बनाई थी, कि यहाँ के रूल के हिसाब से नहीं थी, हमें मतलब आर्टिटेक्ट के बेवकूफ बनाया नहीं, जैसे आप चाहते हो वैसे बना लो और यहाँ पे सीसी मिल जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो हमने बनवाया, तो वो 2003 में तोड़ने आ गए, नवंबर का महीना था, तो मुझे बड़ा मतलब किसी की चीज टूटती है तो हर्ट होता ही होता है, तो सीढ़ी थोड़ी टूट उनसे टूटी नहीं, बाउंड्री वॉल गिर गई। आप किसी की बाउंड्री वॉल गिरा नहीं सकते, अंदर से घर तोड़ सकते हो, ये उनका रूल होगा। तो वो चले गए वापिस, और मैं शाम को भागते गया गुरु जी के पास, माथा टेका, मैं कहा गुरु जी हुडा वाले आए सी कार तोड़ गए, मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। गुरु जी कहा हो जाऊगा, फिर रुक के कहते हैं डिपार्टमेंट में मानी बहुत है, दो वर्ड उन्होंने बोले तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कहा जब गुरु जी ने क्लियरेंस दे दिया है तो सब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया था किस टाइम होएगा, और गुरु जी पे यदि विश्वास करना है तो पूरा करो। एक मिनट, हाँ जी, ये गुरु जी पे विश्वास करना है तो पूरा करो, अनम्यूट करना, हेलो, यदि गुरु जी पे विश्वास करना है तो पूरा करो, क्योंकि हमने देखा कि एक एक चीज उनकी पत्थर की लकीर होती है। तो मुझे 2011 में, जब गुरु जी 2007 में चोला छोड़ गए थे, 2011 उससे पहले ऐसा है कि धड़कन इंसान है फिर भी होता है कि इन्होंने कहा चलो घर को बेच देते हैं, हमें वो प्राइस मिल नहीं रही थी, तो कोई ऐसा कोट कर रहा था प्राइस, तो हम गुरु जी से पूछने जाते थे कि भाई घर बेचना है, ये क्या है, अनम्यूट क्यों हो रहा है अंकल, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके ठीक है, अनम्यूट हो रहा था, मैं देखा कि भाई नहीं नहीं तो हम गुरु जी ठीक है ना, अब हो रही, आ रही है, अब नहीं आ रही होगी, आ रही अंकल, आ रही है ओके ठीक है। तो हम गुरु जी के पास जाते थे वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, तो गुरु जी कहते, गुरु जी ने उस टाइम ही बोल दिया, दो वर्ड ही बोले थे, तो कॉन्फिडेंस वगैरह आ गया था, लेकिन फिर भी दिल में वो था कि भाई घर को बेच देते हैं। तो ऐसे कोई आया तो पूछा कि भाई गुरु जी से कि घर बेच दें, की लोड़ है, तो आंटी को मना कर दिया। दूसरी बार पूछा, कोई जरूरत नहीं है। तो तीसरी बार पूछा तो गुरु जी चुप कर गए, एंड अब आंटी ने समझा कि गुरु जी ने शायद हाँ कर दिया है, तो उन्होंने कहा चलो आप एड डाल दो पेपर में, एड डाल दी पेपर में, कोई नहीं आया यहाँ पे मकान देखने के लिए। एक आदमी आया कुदरती अग्रवाल, उसने घर आके देखा पहले, उसके बाद जी वो कहता कि मैं एक घंटे के बाद आऊंगा, अपनी वाइफ को लेके आऊंगा, तो अपनी वाइफ को ले आया, और उसके बाद वहां पे फोटो लगी थी गुरु जी की बड़ी, तो कहते ये कौन है, मैं कहा हमारे गुरु जी हैं, कहते हैं लाइव है, मैं कहा जी मिल सकता हूँ, मैं कहा जी तो जरूर मिलाओगे, मैं कहा हाँ मिलवाऊंगा शाम को, मैं कहा 6:30 बजे हम निकल जाते हैं, मेरी वाइफ चंडीगढ़ गई हुई है, वहां से आएगी और हम उसके बाद सीधा गुरु जी के पास जाएंगे, तो आपने आना हो तो 6:30 बजे तक आ जाना, हम आपको ले जाएंगे। पक्का बता दो कि मैं थर्सडे को
मैं शिरडी साईं बाबा का भक्त हूँ, उन शिरडी के मंदिर जाता हूँ थर्सडे को, यदि आप मुझे कंफर्म करो तो मैं फिर आपके साथ जाऊंगा। मैं कहा ठीक है कंफर्म है। तो शाम को वो गुजरती इधर उधर हो गया, उसका ड्राइवर मचा नहीं सका उसको टाइम से, फेज वन में ही घूमते रहे। फिर उसके बाद ये आए हमारे घर में 7:30 बजे करीब, गुजरते हम घर में ही थे क्योंकि कोई कस्टमर्स आ गए थे, तो आंटी भी बिजी हो गई थी, मैं भी बिजी हो गया था। खैर उसके बाद ये हम उन वो कुदरती आ गया 7:30 बजे, कहता मैं ड्राइवर को इतना डांट रहा था, मैं 2 दफा हो गया पहले तो ये घर मिस हो गया, फिर हमारे साथ वो गया गुरुजी के पास। वहां पे गुरुजी के पास आगे आगे बैठते थे हम, तो साथ में वो बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद वो ऐसा करे कि अपने आप को थप्पड़ मारे, चुंडी मारे, इधर उधर करे, तो आंटी को बड़ा हो रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है। तो कहें गुरु जी फिर कहेंगे कि किन्नू फड़ ले ये बेवकूफ मुंह। तो आंटी के दिमाग में ये चल रहा था। एक्चुअली वो जब प्रसाद देते हैं, गुरु जी प्रसाद दिया, हाथ धोने हम बाहर जाते थे, तो बाहर फिर उससे पूछा आंटी ने कि आप ये क्या कर रहे थे, अपने आप को थप्पड़ मार रहे, चुंडियां मार रहे थे। कहते आपने देखा नहीं उनके माथे में पूरा वो हो रहा था, क्या कहते हैं उसको। उसने फिर स्टोरी सुनाई कि मैं अमरनाथ कैलाश पर्वत गया था 98 में, और वहां पे घूम फिर के माथा टेक के लेक के साथ जो वहां पे सरोवर होता है उसके पास बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, तो मैं वहां पे बैठ गया, थक गया था, 2-2 कोट पहने हुए थे और सारी बर्फ ही बर्फ थी वहां पे, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, कोई पेड़ नहीं, तो वहां सुस्ता रहा था। और जैसे ही मैं देखा एक साधु महाराज, मतलब गुरु जी जैसे ऐसे चोला पहन के वहां पे आए, मुझे कहते हैं कि ऐसे क्या भी कोई होएंगे, तो इसने माथा टेका और नोट निकाल के ना उनके चरणों में रखा, तो उन्होंने जंप करके पीछे किया, कहते हैं की लौड़ है, तो फिर ये उठा के जेब में रखना, तब तक वो अदृश्य हो गए वहां से। सब तरफ देखा, कोई ना पेड़ है ना पत्थर है, गए तो गए कहां, कहते हैं वो ही थे ये उस दिन वही चोला पहना हुआ था इन्होंने, इनके माथे में सारा वो वहां का दृश्य आ रहा था कैलाश पर्वत का। तो वो तो बड़ा अचंभ, कहता ये रियल रब है। तो उसके बाद जो उसने गुरु जी के पास आता रहा, हमारे साथ भी आता रहा, फिर इसने गुरु जी से मांगा कि मैं कावड़े बन के जाता हूँ वहां पे हरिद्वार में, जब वो होता है पानी लेने जाते हैं हरिद्वार से, तो आके शिव जी को नहलाते हैं, तो कहते मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने उसको परमिशन दे दी थी, वो हालांकि वो उस पर गया था, जीप में ही गया था हरिद्वार से पानी ले के, और आके चरण धोए थे गुरु जी के। तो ये था इनकी स्टोरी। उसके बाद ये एक बार गुरु जी ने हमें कार्ड दिया जलंधर में कोई शादी का, तो मेरे पास उस टाइम लेंसर गाड़ी होती थी, मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी जलंधर के लिए जाना चाहते थे। इन द मीन टाइम वी गॉट द मैसेज कि नानू सबरवाल को भी ले जाना, उसको भी कार्ड दिया है, ठीक है, तो उसको भी ले लिया हमने। तो 4 जने हम गए जलंधर, वहां पे सीधा जाके गुरु जी के मंदिर में कार रोकी और माथा टेका, वहां सुदाम जी होते थे, उन्होंने चाय प्रसाद पिलाया। एंड उस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सी शादी में जाना है, तो हमने कहा नहीं हमें तो ये वाला कार्ड मिला है, नानू के हमें ये कार्ड मिला है। तो फिर उसके बाद एकदम एक कपल आया और वो नानू वाली शादी में जा रहा था, उसमें माथा टेकने आए थे, कहते हमें समझ नहीं हम क्यों आ गए। तो ये सब गुरु जी का कराया होता है, और वहां पे उसका अरेंजमेंट करा दिया दूसरी शादी का, और हम दूसरी शादी में गए और वहां पे शादी अटेंड करके, वहां पे हमारी एक सीता चांद रहती थी श्रीलंका की फ्रेंड, और वहां पे जलंधर में अपनी बहन के इधर रहने आई थी, जलंधर में उसने घर लिया था, फिर उसके घर रुके। अब जब लेडीज का तो होता है ना, जब रुके उसके बाद सुबह इन्होंने कह रहे हैं हमने तो वहां पे अमृतसर जाना है, तो आंटी ने कहा अमृतसर जाना है, फिर मैं नानू को फोन किया, मैं कहा भाई वो कह रहे हैं अमृतसर जाना है, कहते ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, तो वो फगवाड़ा में गया हुआ था, उसकी साली रहती थी, तो उसको ले गए।
वहां से रास्ते से, और हम पहुंचे अमृतसर गुरुद्वारे। वहां पे अपना माथा मुथा टेका, कड़ा प्रसाद खाया, उसके बाद बाहर आके लंच वगैरह किया। उसके बाद कहते हैं जी हमने तो वो बॉर्डर पे जाना है, वाघा बॉर्डर। मैंने ठीक है चलो, वहां से वाघा बॉर्डर 20 किलोमीटर। वहां 20 किलोमीटर गए तो कहते हैं जी हमने तो परेड देख के जानी है। परेड तो 6 बजे होती थी, फिर हम वहां पे रुके रहे और बैठे रहे और परेड देखी, बड़ा मजा आया इनको, हमें भी मजा आया। उसके बाद हम चलने लगे तो मेरी टायर में कोई आवाज आ रही थी, तो मैंने नानू को कहा उतर के तू दो टायर देख, मैं इधर दो टायर देखता हूँ। दोनों कहते ठीक है। तो बस चलने लगे तो अब 20 किलोमीटर और 80 किलोमीटर जलंधर हम पहुंच रहे। रास्ते में 120 पे चलाऊं तो मेरी कार का हैंडल हिले, 100 पे चलाऊं तो बिल्कुल स्मूथ चले। एंड हम सीधा जाके जलंधर मंदिर पे रुके और वहां के माथा टेका, सुदाम जी होते थे उन्हें चाय प्रसाद दिया। उसके बाद बाहर आए और देखा टायर पंक्चर। नानू कहता ये पंक्चर हो गया। मैं क्या हो चलो बदलते हैं, सामान वगैरह पड़ा हुआ था। मीन टाइम एक आदमी आ रहा है वहां पे टूल्स लेके, कहता जी मेरी सेवा है आप हट जाओ मैं टायर बदल देता हूँ। अब बताओ गुरु जी ने वो भी अरेंजमेंट करा रखा वहां बैठ बैठे कि 100 किलोमीटर ये भाटी अंकल आ रहे हैं इनकी टायर पंक्चर है कुछ है, तो उन्होंने वो भी अरेंजमेंट करा दिया। फिर उसके बाद हम चले गए रात को सोने के लिए। सुबह उठ के आए, मैं कहा चलो पहले पंक्चर लगवा लेता हूँ क्योंकि दिल्ली जाना है तो कार ठीक होनी चाहिए। तो पंक्चर वाले के पास गया तो वो कहता है भाई साहब कहाँ से आ रहे थे। मैं कहा वाघा बॉर्डर से। कहता आपका टायर फटा हुआ। ओह माय गॉड, मैं कहा फटे टायर में गुरु जी ने गाड़ी चलवा दी मुझे। एंड वहां बैठे दिल्ली में बैठे उनको सब पता है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी चलवा दी और सारा अरेंजमेंट कर दिया हमारा। सीधा आके पहुंचे, थैंक यू किया गुरु जी को। तो एक बार गुरु जी का फोन आया, हम आंटी रोटियां परांठे बना रही थी। की कर रहे हैं? मैं परांठे बना रही है। आ जाओ इतने डीटी सेंटर। तो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के डीटी सेंटर यहाँ पे मॉल है गुड़गांव में, वहां पहुंच गए। एंड उससे पहले की बात मैं बताता हूँ कि भाई हम एक रिसेप्शन पहले जिमखाना क्लब में था वहां पे थे, गए थे और गुरुजी स्टेज पे एक चेयर पे बैठे थे, बाकी सारी संगत नीचे बैठी थी। मैं, मेरी वाइफ और बेटी तीनों खड़े थे। गुरुजी वहां पे अमृत वर्षा कर रहे और हम देख रहे हैं कि बारिश आ रही है यहाँ पे कैसे कर रहे हैं डाम। अमृत वर्षा सिर्फ हमारे उधर ही हो रही थी, हमारी तरफ देख रहे हैं, गुरुजी ऊपर देख रहे हैं कि वो समझ आ रही है नहीं आ रही। तो उसके बाद गुरुजी उठे और वहां पे उतर के उन्होंने कहा कि विस्की लगा, चिकन पाड़ के छोटे मंदिर आ जाइए। तो अब देखो मैं एक तो नंबर वन मेरे में व्यायाम था कि भाई चिकन खा के गुरु जी के पास कैसे जाए, लेकिन वो भी उन्होंने निकाल दिया दिल में से। चिकन खाया, विस्की पी उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, फिर हम छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंचे। वहां पे बैठ के फिर लंगर खिलाया गुरु जी ने। फिर गुरु जी ने आंटी को बुलाया, आंटी ने कहा तेरे 2 FDI मैच्योर हो गई हैं, एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया उन्होंने। तो फिर की कर रही है? इन्होंने कहा गुरु जी वो थोड़े इधर आंदा ना शर्मा रजीव शर्मा एक्चुअली, तो वो ना आजकल इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो वो 12% देगा और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का पेपर रखेगा। पाटिया साहब मंदे नहीं है, कहने ने मेरे लिए टॉयलेट पेपर है, कहने कोई लोड नहीं देन दी, तेरा मूल भी जाओगा सूद भी जाओगा, चुप करके बैंक ही रख दे। तो मैं खुश हो गया, मैं गुरु जी ने मेरी बात सुन ली। तो खैर वो बैंक में रख दी हमने। अब वो एग्जैक्ट अमाउंट इसने अपने भाई को बताया कि भाई गुरु जी को तो सब पता है कि एग्जैक्ट अमाउंट, वो नास्तिक था, वो कहता चल ऐसे बड़े देखे हैं गुरु जो माथा पढ़ के बता देते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे उसने एंट्री कर दिया इसको। जब उन्होंने कहा डीटी सेंटर आ जाओ,
वहां पे गुरु जी की गाड़ी आई, तो इसने माथा टेका तो गुरु जी कहते चल तेरे एने अमाउंट दिए एफ डी नु ब्लेस कर दिया जी। तो ये हैरान कि मेरा भाई तो अंधेरे में इनसे डिफरेंट फिगर बता रहे हूँ। एक्चुअली वो फिगर ये थी ब्लेस करने की कि वो फैक्ट्री में लगना था, क्योंकि गुरु जी कह चुके थे आंटी को तेरी एक दिन फैक्ट्री होगी। गुरु जी ने बोल दिया मीन्स पत्थर की लकीर। और फिर हमें वो ट्राइडेंट होटल ले गए, वहां पे बड़ा कोजी होटल था, वहां पे डिनर किया और बातें की। सुधा आहूजा साथ में बैठी थी और उसकी बेटी भी आई हुई थी लंदन से, इधर से आंटी बैठी, मैं भी बैठा इधर साइड में। तो गुरु जी कहते हैं कि भाटिया आंटी इतने आई है कभी? तो कहते नहीं गुरु जी। क्यों? श्रीलंका तीन दिन हफ्ते च तीन दिन चार दिन फाइव स्टार होटल ही घूमते सी, इतने क्यों नहीं आए? मैं क्या गुरु जी हूं तुझे सेवन स्टार मिल गया हो ना, फाइव स्टार की करना हूं। तो गुरु जी ऐसे उसके बाद खाना खुना खाया तो, और फिर मेरा पसंद बात भी हुई कि मेरा नाम है भारत भूषण भाटिया। तो उषा और अमेरिकन जितने मेरे बाहर थे वो बीबी बुलाते थे, तो उषा भी मुझे बीबी बुला रही लोग। तो इसने मैं उठ के ना गुलाब जामुन ऑर्डर करने के लिए उठा तो उसने मुझे बोला बीबी गुरु जी को लंबे वाले गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो सुधा उसने पूछा कि हस्बैंड को बीबी कह रही है, बीबी का क्या मतलब है? बिफोर शी कुड आंसर गुरु जी कहते बम ब्लास्ट भाटिया। तो सारे ऐसे ये गुरु जी बड़े चीजें ऐसे करते रहते थे। तो जैसे फरीदाबाद को फरीदाबाद, नोएडा को नोएडिया कहते रहते थे, तो ग्रेटर क्लास को ग्रेटर क्लास कहते थे। तो काफी चीजें गुरु जी बनाते रहते थे। तो लेकिन जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर समझो कि भाई वो तो है ही है। खैर उसके बाद वॉक कर रहे थे वहां पर ट्राइडन होटल में, तो मैंने गुरु मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया था गुरु जी के साथ। तो मैंने गुरु जी को कहा मैं गुरु जी उस दिन थोड़े को प्रकाश सिंह बादल आया सी, तुसी स्पेशल कुर्सी मंगा के उन्हें ब्लेस किया वहां पे बिठा के। गुरु जी उन्हें को बेमानी का पैसा इना है, उन्हें को किसान टिक गया, मेरे को ईमानदारी पैसा नहीं टिकिया। तो गुरु जी मेरी तरफ देख के कहने ने कहने लंगड़ा के जलदा है, कुर्ता पजामा पाके लंगड़ा के जलदा है, दो रोटी भी नहीं खा सकता, सारा पैसा दुबई सिंगापुर और स्विट्जरलैंड पे है। कहने उसे तरिया तरिया रह जाना है, उन्हें कम नहीं आना, तू कम से ऐश तो कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं गुरु ने ब्लेसिंग दी हुई है तो ऐश करने की ब्लेसिंग दी हुई है, तो वही टू वरी। तो और कॉन्फिडेंस आता गया गुरु जी के साथ। तो जो फिगर आंटी को बताई थी वही हमारा फैक्ट्री में लग गया था, देहरादून में फैक्ट्री स्टार्ट की ब्रदर ला के साथ। वो भी उस टाइम जिस टाइम वो मानता नहीं था गुरु जी को, गुरु जी ने क्या अपने प्राण बुला, कहता हाँ ऐसे बड़े देखे हैं, ये बस वो नास्तिक मंदिर के बाहर पेशाब करता था वो। तो आज वो कहता है यदि कोई भगवान धरती में आए तो गुरु जी आए हैं, उसने मंदिर भी बनवाया आगरा अपने सेल्फ मेड है और फ्लैट में। अब वो बड़ा मंदिर वहां पे बना रहा है, जैसे बड़ा मंदिर बना हुआ है वैसे बना रहा है, वो 1500 गज की जमीन ली है उसने। तो ही इज वेरी मतलब कहते कोई धरती में आया है ना भगवान तो यही है, नहीं तो पहले किसी को मानता नहीं था। फिर वो जब आया गुरु जी के पास तो उसने मेरे आंटी ने बताया होगा, जब भाटिया अंकल ने बताया होगा कैसे आया था, उसकी आंख चली गई थी रैकेट लगने से। तो वो लंबी स्टोरी हो जाएगी, कई बार से संकट चुका है वो। खैर वो उसने मतलब लोगों को ले आता था कि भाई ये भगवान है, यहाँ पे आके सारा दर्द ठीक हो जाएगा। क्या एक उसका फ्रेंड था, उसकी बेटी बेड रिडन थी, उसके स्पाइन कॉर्ड नहीं थी पीछे की, तो उसको बेड में लेट के उसको जंजीरें या रस्सियां बांध के लिटा के रखते थे। तो इसने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि तू आजा यहाँ पे, गुरुजी हैं, ये सब कुछ कर लेंगे। तो वो आया बात करने के लिए, भाटियान जी से भी बात करी,
लेकिन गुरु जी ने बात नहीं करी, चला गया। आगरे से आया था, दोबारा आया, फिर बात नहीं हुई। फिर उसकी वाइफ ने कहा कि भाई आप कैसे बात नहीं कर सकते, वहां पे जाते हो, इतना टाइम वेस्ट करते हो। लो मैं इस बार मैं जाऊंगी, किसी को बिठा के आई वहां पे, मैं बात करूंगी गुरु जी से। गुरु जी के पास आई, गुरु जी को सब मालूम है किस लिए आ रहे हैं। तो जैसे वो घुसे, गुरु जी ने कैबिनेट में बैठे, वो आगरा वालों जाके ताजमहल देखो। अब इनको आ गया गुस्सा, आंटी को, दूसरी जो उनके साथ उनकी वाइफ को, कि मैं इतनी परेशान हूं, मैं अपनी परेशानी बताने आया हूँ, उसको सॉल्व करने आया हूँ, ये मजाक कर रहे हैं कि कहते हैं जाके ताजमहल देखो, आगरा वालों ने ताजमहल नहीं देखा क्या? तो वो क्या नाराज होके चले गए। अब गुरु जी ने कहा था ताजमहल देखो, बाद में समझ आया 2007 में गुरु जी ने चोला छोड़ दिया और ये आए नहीं। 2008 में इनके घर में गेस्ट आए तो उन्होंने कहा मामा जी हमें ताजमहल नहीं दिखाओगे? तो कहने ठीक है, ले गया उनको ताजमहल में। जैसे इन्होंने पैर रखा, घर से फोन आ गया कि उसने मुक्ति हो गई लड़की। तो गुरु जी चाहे कैजुअल वे में कुछ कहते थे तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि ही इज रब, ये भगवान महाशिव है। वो एक बार बैठे हुए थे हम उनके पास, तो गुरु जी कहने समझा रहे थे हमें, एक तो नंबर वन मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया था कि तेन ऑस्ट्रेलिया भेजांगे एंड तेरे पास क्लिनिक होगा एंड दौड़ूगा, ये हो गया ब्लेस, वो हुआ। और वहां पे बैठ के कई बातें करते रहते थे गुरु जी, वो कैजुअल वे में करते थे लेकिन किसी को समझ आए ना आए, वो डिफरेंट चीज है। मुझे बैठ के कहते, हम लोग बैठे थे, गुरु जी कह रहे पहले नंबर पे आते हैं गुरु, दूजे नंबर पे आने संगत, तीजे नंबर पे आने शिव जी। अब ये बात करके आराम से मुझे कहते हैं मैं महाशिव हूं, मैंने शादी नहीं की, तीनों ने ब्रह्मा विष्णु में तीनों ने शादी की है, इन्होंने नहीं की है, 10 द्वार पार करके बैठे हैं। जैसे कुछ बताया था कि गुरु नानक के ये द्वार हैं, तो कृष्ण जी के ये द्वार हैं, राम के ये द्वार हैं, तो अब याद नहीं मुझे कितने द्वार उन्होंने कहे थे, लेकिन ये 10 द्वार करके बैठे हैं। तो कई बार ऐसा है कि बड़े मंदिर में जब भी ये आते थे, फंक्शन होता था और डांस करवाते थे, सबके कष्ट काटते थे, और उनका ये मेन था मकसद कि अपनी संगत को कैसे ठीक करना है, कैसे बढ़ाना है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमें कॉन्फिडेंस आता गया, मैं कह ये तो रब है। कई बार सिंगला मैं हमेशा जब भी बड़े मंदिर में फंक्शन होता था, ये गुरु जी का सायरन बजता था गेट खोलने के लिए, तो कार आती थी, तो जब भी सायरन बजता मैं भाग के कहीं भी खड़ा हूं सबसे आगे पहुंच जाता। कई बार मुझे सिंगला अंकल ने टोका भाटिया अंकल आप लाइन तोड़ के आगे पहुंच जाते हो, तो आपको पता है आपके साथ कितने देवी देवता चल रहे होते हैं। मैं क्या, मैं देवी देवता के पास नहीं जा रहा, मैं महाशिव के पास जा रहा हूँ, मुझे महाशिव मिल गया, मैं देवी देवता को क्या करूंगा। तो ये मेरा मजाक उनके साथ होता रहता। एक बार मेरे फादर की डेथ हुई 2005 में, एंड 2005 में डेथ हुई, और वो भी आर्य समाज जी थे, तो उनको बॉडी उठाते मेरी चुक निकल गई, तो चौथे या पांचवे में उन्होंने हवन रखा, तो वहां पे बैठे थे मैंने तो स्टूल रखवाया था क्योंकि बैठ नहीं सकता था, बेल्ट बांधनी थी, उधर साइड में मेरे कजिन ने बेल्ट बांधी हुई थी। कहते हैं ये मैं 6 महीने से बेल्ट बांधी हुई है, मेरा चुक ठीक नहीं हो रही, तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं। मैं मन में सोचूं, मैं कह तेरी नहीं जाएगी, मेरे पास तो ऐसे बड़े से बड़े डॉक्टर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा इलाज हो जाएगा, डोंट वरी, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। फिर दूसरे दिन आया वहां पे गुरु जी के, वहां पे सीढ़ियों में बैठ गया, तो सिंगला अंकल आए, की गल है पाटिया अंकल अगे बैठे आज सीढ़िया से बैठे हो? मैं क्या यार पीठ बड़ी दर्द है, इसमें बैठा नहीं जा रहा। क्यों आंटी ने बेलन मारे हैं? मैं कहने ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहे। तो उन्होंने सिंह जोशी अंकल बोला यहाँ पे इनको भाटिया अंकल को लंगर दे दे, लंगर के टाइम, तो उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बार कहा नहीं दिया, मैं क्या इसका मतलब गुरु जी की
एनर्जी नहीं है, मैं चुप करके उठा और सीधा जाके गुरु जी के लेफ्ट हैंड साइड में दीवार में टेक के बैठ गया और लंगर मिल गया वहां पे खा के। मैं थैंक यू गुरु जी, आपने सुन ली हमारी, और उनके चरण नीचे थे। मैं गुरु जी आज मैं झुक नहीं सकता, मेरा नंबर आया ना, अपने चरण ऊपर कर लेना। मैं हमेशा उनके चरण जो है ना चूमता था। खैर जब माथा टेकने की बारी आई तो गुरु जी के चरण नीचे थे, जब मेरा नंबर आया गुरु ने चरण अपने ऊपर कर दिए, तो मैंने चूमे। मैं कह थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी पुकार सुन ली, अब समय में ठीक हो गया। बस दूसरे दिन फिर मैं आया वहां पे बैठने लगा, वो डांट मारी गुरु ने, चाह उधर बैठ, मतलब तुझे ठीक कर दिया, अब तू कहेगा टेक लगा रहा है, वहां पे बिठाया जा, टेक नहीं लगता था और दर्द गायब। तो ये है गुरु जी, ये दर्द भी गायब कर, सब कुछ कर सकते हैं वो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने कुछ बोल दिया या कैजुअली बोला, वो तो होना ही होना है, वो आप नोट कर लो। अभी आपको ये दर्शन भी देते हैं गुरु जी, अभी भी दर्शन दे रहे हैं, तो कुछ मैसेज दे जाते हैं, तो हमेशा ये याद रखो कि भाई वो मैसेज आपके लिए है। और वैसे भी कई बार कहते थे, मैं मतलब खाने पीने का मुझे शौक रहा है, मैं मार्केट जाता था, खा पी के चुप करके आ जाता था, तो भाटिया अंकल मतलब गुरु जी कहते थे भाटिया आंटी को, भाटिया अंकल चुप करके जाके व्यापार के अंदर जाते ने, खा पी के आ जाते ने, तो गुरु जी को सब पता होता था। तो एक एक चीज उन्होंने बताई। फिर एक बार वो एक बार फोन किया उन्होंने आगरा से, मैं गुरु जी बोल रहे हैं, मैं गुरु जी प्रणाम पैरी पौना। तो गुरु जी कहने अपने साले को पूछ इतने पशोरी खाना कितने मिलते, मैं आगरा च हाँ। मैं क्या मैं उन्होंने सेवा से भेज देव, कहने नहीं जी, तो मैं 5 मिनट बाद तेन फोन करांगा। तो मैंने ऐसे साले को फोन किया, पूछा, कहता मैं सेवा में चला जाता। मैं कहना वो मना कर रहे हैं, आप सीधे बता दो कहाँ मिलता है। तो उसने बताया मुगल होटल। तो मैं फोन लगाने लगा गुरु जी को एक्साइटमेंट में, नहीं मिला मुझे फोन उनका। 5 मिनट में फोन आ गया। मैंने कहा गुरु जी वो कह रहे थे मुगल होटल, चलो होगी बात। या मंडे का दिन था। उसके बाद थर्सडे को जब हम गुरु जी के पास पहुंचे, अंपायर स्टेट, गुरु जी कैबिनेट में बैठे थे लत्थी मार के, तो मुझे कहते मुझे छेड़ रहे, तेरे आगरा गया सी। मैं गुरु जी आपने मौका नहीं दिया सेवा का। क्या नहीं, उत्थे मैं SSP दे नाल गया सी आगरे का ताजमहल दा होटल, नीचे वाला दरवाजा खुला के निखाण किया थे शिवलिंग है। मैं कह गुरु जी भावना तो बहुत किताबें पढ़ती है, मुझे कहती है कुतुब मीनार में शिवलिंग है। कहते हाँ जी। मैं कहो तो कहती मक्का मदीना में शिवलिंग है। गुरु जी कहते हाँ जी। मैं कह गुरु जी आप इतने ज्ञानी हो, मीडिया में क्यों नहीं आते। कहते ना, पहले मैं अपने लोगों का कल्याण कर ला। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए वहां पे, गुरु जी का गोडा पकड़ा हुआ था। मैं कह गुरु जी ने अपने लोगों में शामिल कर दिया। मैं कह इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब गुरु जी ने अपने लोगों में हमें शामिल कर दिया, कल्याण कर दिया। मैं कह इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मैं मतलब आंखों में आंसू आ गए मेरे, रोंगटे खड़े हो गए। मैं कह गुरु जी ने ऐसे बताया। तो एक मेरी बेटी को उन्होंने कह दिया था तेरा एडमिशन हो जाएगा वहां पे कर्नाटका में, तो इसका एडमिशन हो गया था MDS में, मास्टर्स में। तो ये कह रही थी मुझे कार चाहिए वहां से, तो मैं कह ठीक है, कह मुझे छोटी कार चाहिए आल्टो। तो मैं कह ठीक है, मैंने नई गाड़ी खरीदी आल्टो की, और हमने कहा भाई हम उसको देने जाएंगे। गुरु जी से परमिशन मांगी, तो गुरु जी कहने ने एक दो दिन ठहर जाओ। तो ऐसे आंटी को थोड़ा एक्साइटमेंट चढ़ी हुई थी कि जल्दी जाना है, कि वहां पे दिवाली का टाइम था, तो सारा घर समेट लिया था, बेटा मेरा टोरंटो गया हुआ था। तो गुरु जी कहते ने अभी ठहर जाओ यहाँ पे, शादी अटेंड कर लो। तो गुरु जी थोड़ा 2-3 बार लटका रहे थे, उस दिन समझाया उन्होंने कि वहां पे प्रॉब्लम चल रही है हिंदू मुस्लिम की, दुकानें भी जल गई हैं, मीडिया में ये खबर नहीं है कि फैल जाएगी, प्रॉब्लम होगी। तो फिर उसके बाद आंटी कहे मैं सारा सामान समेट लिया। तो उन्होंने कोई नहीं, ऐसा है रुकते चले जाना होते। फिर गुरु ने परमिशन दे दी, रुकते चले जाना। आल्टो मतलब मैं तो बड़ी गाड़ी चलाता, आल्टो चलाई मैंने,
मैं और मेरी वाइफ और उसका सामान और साथ में डोडा वगैरह मीठा, मुझे वैसे शुगर की बीमारी थी, लेके चले आल्टो। रास्ते में बादशाहों के दिन थे और ये गुरु ने इंस्ट्रक्शन दी थी बेटी नाल दिवाली मना के ले आना, तो उस टाइम दिवाली का सीजन भी था, सड़कें फूटी हुई थी। वे भी चलते गए हम, रुकते रुकते जगह जगह रुके, बॉम्बे रुके, वहां पे सत्संग किया इनकी कजिन सिस्टर। उसके बाद गए तो मुझे कैटरक वैसे ही था तो ज्यादा नजर नहीं आया था, रॉन्ग सड़क पे चले जाते थे, टूटी सड़क में चले जाते थे। साथ में आंटी बैठी डांट मार रही थी कि भाई ये तुम तो क्या टूटी हुई गाड़ दोगे बेटी को, नई गाड़ी नहीं दोगे। तो मैं कहने की ऐसे गुरु जी हैं सब ठीक कर लेंगे। तो रास्ते में गुजरात में एक ब्रिज आता है, बहुत बड़ा ब्रिज, कौन सी रिवर है इनकी, तो वहां पे जी कोई ब्लॉक हो गया, कोई एक्सल टूट गया था किसी गाड़ी का, और बीच उसमें आने आने जाने का ना ब्लॉक हो गया था। तो हमारी चार लेने बन गई थी ट्रैफिक की इस साइड में, हमारी कार बीच में। आपको कह रहे हैं कि भाई पूरा 24 घंटे लग जाएंगे इसको ट्रैफिक को निकलने में, ड्राइवर वगैरह बता रहे। इन द मीन टाइम एक मैं दो मिनट देखा इधर उधर उतर के कि कोई ढाबा हो कहीं हो चाय वगैरह मिल जाए। इन द मीन टाइम कोई ताजी ग्रीन शर्ट में आया तो कह रहे आंटी के दिवा आके कि भाई यहाँ पे तो ये फंस जाएंगे, आप ऐसा करो इधर से निकल के ना दूसरी रोड ले लो और दूसरा एक ब्रिज है सिटी में वहां से निकल जाओ, ये तो बड़ा टाइम लग गया। तो आंटी ने पूछा कि आप कौन हो, कह मैं तो मुसाफिर हूँ मैं तो निकल जाऊंगा। खैर उन्हें कहा रास्ता तो है नहीं, कैसे निकले इधर से, सारे ट्रक चिपक के खड़े। फिर 5 मिनट बाद कहता है रास्ता बन गया आप निकल जाओ इधर से। बच्चों वाली गाड़ी साइड में है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, उनको नहीं कह रहा हमें सिर्फ कह रहा। तो इसको लगा कि गुरुजी ने भेजा या गुरुजी है ये किसी रूप में आए हैं। तो इसने फिर वही साइड से मुझे कहा फटाफट निकाल लो दूसरी रोड, दूसरे शहर की तरफ से ब्रिज में गए और वहां से निकल के, वो टूटा फूटा ब्रिज था लेकिन निकल गए और वाके फिर मेन रोड पे आए और देखा खाली था एकदम, हम चढ़े एकदम ट्रैफिक ब्लॉक हो गया वहां पे, तो हमें निकाल दिया गुरु ने। ऐसे कई जगह फंस रहे थे बस निकलते गए, फाइनली वहां पे पहुंच गए। मुझे कहती है कि आप तो टूटी फूटी कार दोगे उसको, मैं कहा मैं पहले सर्विस करा देता हूँ उसको दिखाने से पहले। तो सर्विस स्टेशन गया वहां पे उससे धुलवाई और मैं कहा ये चेक कर ले भैया कोई झरीटे वगैरह तो नहीं आई, कहता जी कोई नहीं ब्रांड न्यू गाड़ी है कोई झरीट नहीं है इसमें। तो मैं क्या भी ये भी हैरान देखी है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो सब गुरु जी बचा रहे थे, वहां से फिर इसको जाके गाड़ी दी हमने और ये भी खुश हो गई। तो उसके बाद ही वापस आना था ट्रेन से, ट्रेन की टिकट बुक कराई थी इधर से, मेरे ब्रदर ला का फोन आ गया कि नहीं फटाफट भाई एयर आओ अब, क्योंकि पहली दफा गुरु जी ने बात की थी उससे, पहले बात नहीं करते थे उससे, ये पहले नखरे मारता है उसको जब सीधा करके फिर उसके बाद बात की भाई इसको एक्साइटमेंट चढ़ गया नहीं फटाफट भाई एयर आओ। तो फिर हम भाई एयर आए वहां पे से पहुंचे हम बेंगलोर, बेंगलोर से फिर हम फ्लाइट लेके आए दिल्ली और आके ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई गुरु जी ने बात की है उससे। तो ये है हमारे गुरु जी, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी। आजकल यदि आपको फुल फेथ है तो एनी टाइम यदि गुरु जी आपके लिए नहीं कर रहे इसका मतलब आपके लिए वो चीज ठीक नहीं है, लेकिन जो एक बार उन्होंने बोल दिया वो मीन्स पत्थर की लकीर है। तो ये कौन बोल सकता है आज से, मतलब इतने साल बाद क्या होगा किसको पता है। गुरु जी को पता था कि इस साल ये इतने साल बाद ये होगा, उन्होंने कहा था मारा टाइम आएगा मैं अपने भक्तों को बचाऊंगा। तो ये कोविड आया मारा टाइम गुरु जी ने बचाया। और आंटी को एक बार उन्होंने कहा तेरे काम तेरी रिश्तेदारी नहीं आएगी संगत ही काम आएगी। अब बताओ उस टाइम समझ सी कि भाई रिश्तेदारी कैसे काम नहीं आएगी हमारी, बच्चे हैं बहू है बेटी बेटा है हस्बैंड है
काम नहीं आएंगे, संगत काम आएगी। तो ये मतलब कोई अजीब ही लगा उसको, लेकिन वाकई कोविड के टाइम हम जा नहीं सकते थे। आंटी को कैंसर हुआ, फिर इसने आंटी ने कहा कि भाई गुरुजी यदि गुरु को गुरु जी ने उनको बोला हुआ था तो 7 लाख लोग लेने, 7 लाख लोग ना सत्संग करना। तो उस समय घबराई हुई थी कि भाई हम 23 साल तो श्रीलंका में रहे, मैं 70 लोगों को नहीं जानती, तो मैं कैसे लाऊंगी 7 लाख लोग। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, 1,000-1.25 लाख दा होता तो 6,000 फड़ दें और कम तेरा हो जाएगा। दूसरे दिन गुरु जी ने पकड़ लिया कि पार्टियां कर मजाक कर रही थी, 6,000 फड़ जा है तेरा काम हो जाएगा, नहीं 7 लाख हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेज में बोला कि भाई 7 लाख लो ना तुम सत्संग करना है लेने ने। तो ये भी देखो अब कहाँ बैठी थी, कहाँ पे हुआ, और हम पहुंच नहीं सके, संगत संगत ही काम आई। तो गुरु जी जो बोल देते हैं ना वो बाद में समझ आती है, उस टाइम नहीं समझ आती। तो उनको तो आगे का पता है, फ्यूचर का। तो मैं तो यही कहता हूं कि गुरु जी पे विश्वास रखो, कोई देर या कुछ हो रहा हो कोई बात नहीं, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन करेंगे जरूर वो। यदि आपको विश्वास है गुरु जी पे तो करेंगे जरूर वो। एंड ही इज भोलेनाथ जैसे है ना शिव जी, ये भी वैसे ही हैं कि इनसे प्रे करो कुछ भी ये मान जाते हैं, फटाफट कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये अपने लोगों के लिए। हालांकि मुसलमान भी आते थे, एक बार एक आंटी को यही था कि भाई 2 दिन हफ्ते जाने हैं, तू 2 दिन तू कोई नई संगत लाके आएंगी तहा आएंगी। तो हम ये ढूंढते रहते थे कि कौन जा रहा है कौन नहीं, क्या पता नहीं है कौन है कौन नहीं, तू वहां पे गेट में मिल जाना हम ले जाएंगे। ऐसे कोई नागपुर से कानपुर से आया था तो उसको गेट में मिल जाना, हम लेके गए, हमें नहीं पता कौन है, आगे माथा टेका, गुरु जी उसको कहते सलाम अलैकुम, मतलब गुरु जी को पता है वो मुस्लिम है, तो हमें नहीं पता कि वो मुस्लिम है। तो गुरु जी से कोई चीज नहीं छुपी। आपको ये भी बता दूं एक चीज, मैं यहाँ पे नैनीताल गए थे, गुरु जी शर्मा अंकल हैं, उनका रिजॉर्ट है वहां पे, तो वहां पे ठहरे थे ये कुछ दिन और संगत को भी ले गए थे। जैसे शर्मा अंकल का एक फ्रेंड होता था जिसकी बसें चलती वहां पे, मुस्लिम था, तो फ्रेंड है उस वहां पे वॉक कर रहे थे नैनीताल रोड पे, तो उसने आगे चरण छुए गुरु जी के। अब मुसलमान जो है ना चरण नहीं छूता, लेकिन उसने छुए तो गुरु जी ने कहा लो भाई 2 बेगमा रख के औलाद एक ही नहीं। अब शर्मा जी भी हैरान हुए कि गुरु जी को कैसे पता उसके 2 बेगमे, मुझे नहीं पता है औलाद नहीं है, तो उत्थे आ जाई तो मैं तेन ब्लेस कर दूंगा, अपनी ओनू ले आई बीबी नू नैनीताल रिजॉर्ट में। फिर वो उनकी बीबी आई तो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। फिर उनके बाद उसको न्यूज मिली कि शी इज प्रेग्नेंट, वे मुंडा आया लड़का हुआ, तो वहां से मैसेज शर्मा जी आंटी लेके आई, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ मैंने पता है एने वाज के एने मिनट से होया मुंडा, तो गुरु जी को सब पता होता था। फिर उसके बाद वो लेके आया अपनी बीवी और बच्चे को नाम रखवाने के लिए गुरु जी से। गुरु जी ने कहा बड़े मुरादा नाल होया है, इसका नाम मुराद, अपनी दूसरी बीवी को भी ले आइए उसको भी ब्लेस कर देंगे। तो गुरु जी तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हमारी देखी हुई है, दिव्य प्रसाद निकाला उन्होंने, वो भी देखते थे हम, तो उनके हाथ से मिल जाए। वो कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, तो घर खाओगे तो मिठाई। तो कई चीजें हैं जो है ना कि गुरु जी से बस सुनते ही जाओ और विश्वास करते जाओ। और ऐसा है कि मैं श्रीलंका में जब रहता था तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीव करता था, बड़े एस्ट्रोलॉजर आते थे, ओला लीफ वाले भी आए, सबको मैं अपना वो दिखाता था।
हर एक ने मुझे बोला था, आउट ऑफ 8, 6 ने बोला था कि भाई आपका 57 इयर्स की एज में का मेजर कार एक्सीडेंट है, जरा संभल के चलाना। अब मेरे दिमाग में घुसा हुआ था कि 57 इयर्स की एज में कार एक्सीडेंट है, 57 आज मैं 70 साल का हो गया हूं। गुरुजी जाने से पहले मुझे स्पेशल ब्लेसिंग दे के गए अपने कमरे में बुला के, वो मेरा वो काट दिया फिर एक्सीडेंट। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, रब है, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो जितना विश्वास रखोगे गुरुजी पे, मानो उनको, देखो क्या क्या होता है। तो वी आर हैप्पी लिविंग लाइफ, अपना गुरुजी पे विश्वास करते, गुरुजी को याद करते हैं, उनके सिवा हमारा अब कोई दुनिया में नहीं है। सबसे प्यार से वो कहते थे, ये किसी हेल्प कर सको तो करो, मदद कर सकते हो करो, एंड दिस विल बी गुड। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो, किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो। ये उनका मेन वो था, वो हर एक की हेल्प करते थे। कोई भी आ जाए, उनको सबका पता होता था कि भाई इसको क्या चाहिए, आपको कहने की जरूरत भी नहीं होती थी। तो हमेशा उन पे विश्वास रखो 100% एंड यू विल बी फाइन इन योर लाइफ। बाकी उनकी मर्जी है, जाना हर एक ने है, आज नहीं तो कल हर एक ने जाना है। हमारे अभी अभी 70 इयर्स का हो गया हूँ, देखो कब गुरुजी अपने पास बुलाते हैं। एक अतुल मोहंता आंटी हैं, उनका आपने सत्संग सुना होगा, वो उनका सत्संग तो वहीं से शुरू होता है जब से उनको पता है, लेकिन उससे पहले का सत्संग मुझे पता है, जो अतुल मोहंता के साथ मेरी बातें होती रहती थी। अतुल मोहंता 21 सेक्टर में या 22 सेक्टर में यहाँ पे गुड़गांव में रहता था। गुरुजी ने हमारे घर से जब सत्संग शुरू कराए थे, उस टाइम वो कपल आता था यहाँ पे, तो उनसे काफी वो हो गई थी जान पहचान। तो अंपायर स्टेट में भी आता था, इतना अमीर नहीं था, उसके 3 स्टंट पड़ चुके थे, बाईपास हो चुका था। तो आके गप्पे मारता था हमारे रास्ते में ही, तो बच्चा उसका 12th में पढ़ रहा था एंड बेटी छोटी थी, तो आके ऊपर बैठता था। गुरुजी कई बार ना संगत ज्यादा हो जाए तो ऊपर भेज देते थे, ऊपर बैठता था हमारे साथ, कहता भाटिया अंकल गुरुजी हमें पहचानते भी हैं। मैं क्यों, कहते हैं आप लोगों से बातें करते हैं, हमें तो बात नहीं करते, मेरा नाम भी जानते हैं। मैं कह गुरु जी सब जानते हैं आपका, अगला पिछला, आपका नाम वगैरह सब जानते हैं। वो एक दिन आपका नाम पुकारेंगे ना, हैरान हो जाओगे। उसको विश्वास नहीं आ रहा था। मैं कह घबरा नहीं, सब जानते हैं वो। तो एक दिन कहने लगा, आज तो रात को जाऊंगा ना, संडे का दिन था, कि मेरी जो मकान मालक है ना, मेरा सामान बाहर फेंक देगी, उसको किराया नहीं दिया 6 महीने से। मैं कहा कोई बात नहीं, प्रे टू गुरु जी। उसके बाद कहता है कि मंडे को मैं स्कूल जाऊंगा, बच्चे के उसका नाम काट देंगे, 6 महीने से फीस नहीं दी। मैं कहा प्रे टू गुरु जी, सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसको विश्वास कैसे, वो गया घर एंड उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को मुझे मिला, मुझे कहता है भाटिया अंकल मिरेकल हो गया। मैं क्या, कहता है मैं घर गया, मकान मालकिन खड़ी थी, कहती है आपने 6 महीने से किराया नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुसीबत में होंगे तो अगले 6 महीने मत देना, अगले 6 महीने भी मत देना, एंड इकट्ठा दे रहा जब तुम्हारे पास आ जाए। क्या मंडे को मैं स्कूल गया प्रिंसिपल के पास, तो कहता है इसका नाम, ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसका नाम कैसे कट सकता है, इसके अगले साल की पूरी फीस माफ। मैं कह ले और क्या चाहिए थे, गुरु जी ने ये भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद कहता है कि मैं इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो मेरे ना किडनी में स्टोन है। मैं कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, गुरु जी बैठे हैं, मेरा ये वर्ड था, गुरु जी बैठे हैं ना, वो सब सुन रहे हैं, सब कुछ उनको पता है। फिर इसने लंगर खाया और बाहर गया बाथरूम में, भागता है, भाटिया अंकल मेरा स्टोन निकल गया। मैं कह ले तू अभी सोच रहा था स्टोन हॉस्पिटल जाऊं, यहाँ पे उन्होंने फ्री में तेरा निकाल दिया,
कि फिर भी उसको कहे कि मेरा यार गुरु जी जानते नहीं, बात नहीं करते। मैं बात नहीं करते, काम तो करते हैं। खैर एक दिन रात को गुरु जी बड़े मंदिर ले गए, वहां पे बैठे तो भाटिया आंटी भी बैठी, मैं बैठा, ये बैठा। तो गुरु जी उस दिन गद्दी पे नहीं बैठे, दूसरी साइड में नीचे कारपेट पे बैठे। तो उन्होंने इशारा करके बुलाया, तो उन्होंने कहा भाटिया आंटी आपको बुला रहे हैं। कहते नहीं आज तुझे बुला रहे हैं। कहते नहीं आपको बुलाते हैं। तो फिर सिंगल अंकल आए कि अतुल मोहनता कौन है। ले देख के ऐसा घबराया, ये फटाफट भागता गया, गुरु जी के चरण छुए इसने। तो उन्होंने कहा क्यों तू भाटिया अंकल नु कहना है कि मैं गोली छुट गई सौबी टीयर की, अद्धी अद्धी कदी खा लेना, चल वो ब्लस किता वो भी छुट गई, चल अनु छोरी साथ बैठा था उसको सत्संग कर। अब इतना गरीब आदमी कैसे इतने बड़े मिनिस्टर को सत्संग करे। मीन टाइम गुरु जी ने क्या तया कल्याण किया। अब जब कल्याण किया तो मैं क्या गुरु जी से तुमने कुछ मांगा जब वापिस आया तो? कहता हाँ। मैंने कहा गुरु जी मुझे इतनी मोहलत दे देना, जब मेरा बेटा कमाने लग जाए तब तक मुझे मोहलत दे देना। अब ये देखो गुरु जी ने कहा कल्याण किया मीन उसको ब्लेस कर दिया। अब 2012 में गुरु जी तो 2007 में चोला छोड़ गए, 2012 में हमारे घर सत्संग था आगमन दिवस का 28 जनवरी को। तो ये आया अपनी वाइफ के साथ, और देखा वो लेडीज की कजिन सिस्टर होगी अमेरिका से, आए यहाँ पे। तो आंटी बड़ी खुश हुई, कहने मुझे गाजियाबाद में सत्संग था वहां से पता लगा आपके घर में सत्संग है तो आया। तो आंटी ने बड़ा वेलकम किया इसको, मैंने वेलकम किया, आके इसने लंगर सेवा की, सत्संग किया, बीच में कई भूल बैठ के किया इसने, तो कुछ भूल रहा था तो मैंने इसको बताया। ये कहता भाटिया अंकल को मेरी सारी चीजें पता है। फिर उसके बाद ये सारा खत्म हो गया और जाने लगे लोग, चले गए। ये इसका पैर एक बाहर था दरवाजे से, तो भाटिया अंकल जो मेरे साला है वहां से आगरा से वो थे, उन्होंने इसको बुलाया, इधर आ तू मेरा सत्संग सुन ले। तो वो अपना सत्संग सुना रहा था, ये एकदम हमारे जो गुरु जी की स्वरूप है ना काला कपड़े वाला, तो उसके सामने खड़े थे हम 4-5 लोग एकदम वहां पे। इसने उसने सत्संग ये सुनाया था कि मेरा बेटा IIT टॉपर है, उसकी सैलरी 1 करोड़ पे पर ईयर लग गई है बॉम्बे में। तो बस जैसे इसने बोला गुरु जी ने कहा भाई तेरा हो गया, तेरा एक्सटेंशन मिल गई तो आ जा। तो उसी टाइम इसका खत्म ये, और गुरु जी की तरफ देख रहा है वहां पे, तो गुरु जी इसको ले गए वहां पे, इसने बताया था। ये देखो गुरु जी के वर्ड्स की भाई उन्होंने कल्याण किया किया सी, इसे मांगा क्या था कि तब तक मुझे मोहलत देना, उन्होंने मोहलत दे दी। एंड उसकी आंटी ने और उसके बेटे ने सत्संग सुनाया होगा। तेरा शुक्र मना देने।